नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। भोजपुरी फिल्म स्टार हिंदी, गुजराती, मराठी आदि कई सारी भाषाओं में अपने अभिनय के जलवा दिखा चुके रवि किशन इस समय गमों के पहाड़ के नीचे दब चुके हैं। जरा सी बात है कि उनके पिताजी की देहांत हो चुके हैं। यूं ही यूपी के वाराणसी में बीजेपी और के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने बुधवार को पिता की अर्थी को कंधा दिया। रवि किशन ने कहा कि आज मेरे सिर से बड़े साया हट गया, जिस क्षति की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। वाराणसी गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म के स्टार रवि किशन के पिता श्याम नारायण शुक्ल का मंगलवार को देर रात वाराणसी के बेचू स्थित सुदर्शन लाल अस्पताल में निधन हो गया। रवि किशन के पिता लगभग 2 महीने से बीमार चल रहे थे। रवि किशन के पिता का 92 साल की आयु में हुआ निधन। रवि किशन बुधवार की सुबह वाराणसी पहुंचे और परिवारजनों की मौजूदगी में काशी के महाशमशान मणिका घाट पर पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रवि किशन के पिता के श्याम नारायण शुक्ल की 92 वर्ष की वस्ती में 2 महीने पहले ही बीमार पड़े थे। उन्हें मुंबई स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था कि हालत बिगड़ने पर उन्होंने काशी में अपना शरीर त्यागने की इच्छा जाहिर की थी। रवि किशन ने उन्हें बेचू सर सुंदर लाल अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं रवि किशन ने पिता की अंतिम क्रिया के लगभग सभी कार्य किए, लेकिन मुख्य अग्नि उनके बड़े भाई रामचंद्र शुक्ल ने दिया। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, एक तो मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था, तो मेरे गुरु मेरे भगवान, हम भगवान तो देखे नहीं थे। हमारे को जो भी जीवन में अध्यात्म से लेके जीवन सिखाया, आज मैं जो भी हूँ अपने पिताजी की वजह से। आज मेरे जीवन का मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरे पिताजी मेरी बहुत बड़ी शक्ति थे, लेकिन वो 2 महीने से बीमार भी थे, तो मोक्ष भी चाहिए वो भी एक सत्य जान रहा था मैं। लेकिन एक पिता का जाना बहुत दुखद है। वो भले 92 साल के थे, पिता तो पिता होते हैं, और हर व्यक्ति माता पिता के मुझे लग जहाँ पिता नहीं होता घर बड़ा सुना होता है। तो आज मेरे सर पे बहुत बड़ा एक साया चला गया। आज मेरे जीवन में सबसे बड़ी क्षति हुई, और ये आज ये जो दिन है 31 तारीख जो 11 बजे रात, वो हर साल आएगा, और मैं हर साल मैं सोच नहीं सकता हूँ मैंने क्या खोया। और आप, मैं शब्दों में आप लोगों को भी नहीं बता सकता कि आज मैंने क्या खोया है। यह था बनारस से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।